मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के बरखेड़ा गंगासा में काले सोने के नाम से देश में विख्यात खेतों में बोई जाने वाली खेतों में खड़ी अफीम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। किसानों में खुशी छाई हुई है, इसीलिए मंदसौर जिले के बरखेड़ा गंगासा के किसानों द्वारा आज खेत में खड़ी हुई अफीम की फसल के पास कालका माता को बिठा कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर खेत में खड़ी हुई फसल की को कालका माता स्वरूप मानकर डोडो के कंकु अबीर गुलाव की टिकियां लगाई और पूजा अर्चना की गई। कालका माँ से फसल की अच्छी पैदावार की मन्नत भी मांगी गई। बरखेड़ा गंगासा के किसानों ने अपने खेतों में बोई जाने वाली अफीम की फसल को चीरा लगाने का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम से किया। शायद बरखेड़ा गंगासा में यह दूसरा अवसर है कि इतनी धूमधाम से मां कालका की पूजा अर्चना कर न्याणा किया गया। आज दोपहर 2 बजे शिव नारायण धाकर के पुत्र विनोद धाकर व पंडित अनिल शर्मा और गांव के सभी लोगों की उपस्थिति में मां कालका की पूजा अर्चना कर चीरा लगाने का कार्य शुरू किया गया। पूजन के पश्चात गाँव के सभी लोगों ने अपने अफीम में चीरा लगाने का शुभारम्भ किया। तत्पश्चात आरती कर महाप्रसादी वितरित की गई। बरखेड़ा गंगासा से विनोद धाकड़ की रिपोर्ट।